कुछ हो गया, ओए देख लिया। जो है छोले बनाने वाले हैं, तो छोले बनके रेडी हो चुके हैं। क्योंकि बाहर का ना हम डेली खाते हैं, तो वो जो उनके जो हाथ का टेस्ट होता है ना, वो बहुत मजा आता है खाने में। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब जो है भाभी के हाथ का खाएं घर पे। तो गाइस ये देखिए फिर दोबारा हरी सब्जी आ चुकी है, मेरे पापा यही है। तो छोले चावल लग चुके सामने, अब लेट मी टेस्ट की कैसे हो रहे हैं। तो दोस्तों इसे हम जब जब ऐसे बिठाते हैं तो ये हाथ अब तक पॉटी करती है। एक होता बेहतरीन और फिर आता है भाई हाथ, तो ये होते हैं तीसरी कैटेगरी वाले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैश लाइफ विद अंकित में। और अभी हो रहे सुबह के 10, और आज नाश्ते में मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि कुछ खास था नहीं, सिर्फ चाय और फैन और बिस्किट थे और नमकीन थी। और डुग्गू जो है अपने मुंह में निप्पल डाल के चबा रहा है। लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा था कि भाभी बता रही थी कि हम आज जो है छोले बनाने वाले हैं, तो छोले बन के रेडी हो चुके हैं। कुकर में है छोले और इसमें से निकाल रही है भाभी मांड, क्योंकि डुग्गू जो है उसने खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम उसको हैवी मील नहीं दे सकते, तो इसलिए हम उसको चावल का मांड देंगे थोड़ा सा डुग्गू के लिए। हाँ, ये हम डुग्गू को अभी पिलाएंगे। तो हम छोले की शक्ल भी देखते हैं कैसी बनी है, जैसे भाभी ने वादा किया था कि अच्छे बनेंगे छोले। मम्मी पापा और आरके थे पुराने वाले घर पे, मैं भी पुराने वाले घर पे आ जाऊंगा मम्मी पापा के लिए खाना लेके। तो मैं अभी वापस जाऊंगा, फिर तो मैं चलता हूँ वापस नए वाले घर पे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ वापस अब घर में नए वाले में, तो अब मैं वो जो छोले बने थे वो ट्राई करता हूँ। तो छोले चावल लग चुके सामने, अब लेट मी टेस्ट की कैसे हो रहे हैं। बहुत हाइप बना रखी थी कल भाभी ने कि अच्छे होंगे। अब खाना खा रहा हूँ, हमारा मोटू लाला उधर बैठा हुआ है और पैरों से खेल रहा है। तो अंकित बताओ आज के छोले कैसे बने हैं। छोले मैं ट्राई करता हूँ फिर बताऊंगा कैसे बने। एक होता है बढ़िया और एक होता है बेहतरीन और फिर आता है भाईयात। तो ये होते हैं तीसरी कैटेगरी वाले, तीसरी नहीं भाईयात वाले नहीं, पहले नीचे से पहली कैटेगरी जो है। तुम्हें मैं पीट दूंगी, सच्ची बता रही हूँ मैं। छोले बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार से भाभी ना बनाए छोले। छोले बढ़िया है वैसे, जोक से बात। तो फाइनली छोले खाने के बाद शाम के 4:45 बज रहे हैं और अब हो रही है चाय की तैयारी जो कि भाभी बना रही है। भाभी ने पिछले ब्लॉग से मैं मैंने भाभी को सिखा रहा चाय कैसे बनाते हैं। टुकू और उसकी मम्मी घूमने जा रही है नीचे, तो मैं भी आपको यहाँ से दिखाता हूँ बालकनी से। और वो रहे वो दोनों, टुकू का प्रेम ऊपर लेके आता हूँ क्योंकि भाभी ला नहीं पाएगी। तो फाइनली टुकू का प्रेम मैं लेके आ गया, टुकू भी आ गया ऊपर। तो दोस्तों इसे हम जब जब ऐसे बिठाते हैं तो ये हाथ अब तक पॉटी करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग्स में बताया हुआ है। ये ऑलरेडी बहुत सारे डायपर खराब कर चुकी है और अब मुझे लग रहा है ये वाला भी खराब करने वाली है। लड़की के चेहरे पे स्माइल देखो इस बात। एक्चुअली हम आपके साथ एक और सीक्रेट रिवील करना चाहते हैं। हमारी लड़की ने इंडियन आइडल जूनियर्स में पार्ट लिया था और वो मुंबई के लिए सिलेक्ट हो गई, इसलिए वो रियाज करती रहती है। कितना अच्छा जोक मारा है, वाह वाह डुग्गू तेरी मम्मी ने कितना अच्छा जोक मारा है। फिर पैग लगा लिए क्या दोबारा, थोड़े लग गए थोड़े पैग है ना, दोबारा पैग लगाए आज हमारे भाई साहब ने, तो उन्हें पता नहीं चल रहा होश नहीं आज दोबारा। तो दोस्तों दिन के खाने में हमारे पास दाल हरड़ की, जिसे हम पतली दाल बोलते हैं, गढ़वाली लोगों से पतली दाल बोलते हैं। तो हरड़ की दाल और कल के थोड़े छोले ही बचे हैं, तो अब वो खाएंगे छोले भी साथ में और दाल भी साथ में। यहाँ पे हो रहे हैं पापड़ भी साथ साथ रोस्ट। अब हो गया है चाय का टाइम और डुग्गू जो है यहाँ पे लेटर का मेरे साथ मोटू, और छत से कपड़े भी ले आए हम, साइड में छत से कपड़े रखे हुए हैं और अब पीते हैं चाय। भाभी चाय पी रही है पीछे, तो अब हम भाभी से पूछते हैं वीडियो ऑन है। बताना चाहेंगे अब राम लड्डू के बारे में। फ्रेंड्स कल डुग्गी जो है वो 6 मंथ्स की कंप्लीट हो जाएगी, तो हम ये सोच रहे हैं कि कुछ स्पेशल बनाएं। बाहर का एक्चुअली हम 5-6 दिन से बहुत खा चुके हैं, तो अब ना हम बाहर 5-6 दिन से नहीं 10-15 दिन से लगातार बाहर से ही खा रहे हैं। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि हम सेलिब्रेशन तो करेंगे लेकिन बाहर की चीजों को घर पे बना के। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि हम पाव भाजी, राम लड्डू, टिक्की एंड क्योंकि क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजें जो बाहर मिलती है ना, तो ये चीजें थोड़ी अच्छी होती है खाने में, तो इसलिए सोच रहे हम घर पे बना ले भाभी के हाथों का। तो हम ये बनाएंगे और डुग्गू का हाफ ईयर बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे ये सब बना के। हाँ। देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या बनता है। वैसे डुग्गी के पापा ने बोला है कि वो केक बनाएंगे, तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है वो केक बनाने में। क्योंकि बाहर का ना हम डेली खाते हैं, तो वो जो उनके जो हाथ का टेस्ट होता है ना, वो बहुत मजा आता है खाने में, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब जो है भाभी के हाथ का खाएं घर पे। फ्रेंड्स इसके लिए तो वो भी बाहर का ही होगा, जब मैंने बनाया तो वो भी इसके लिए बाहर का ही होगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है भाभी फैन खा रही है चाय के साथ, फैन बोलते हैं ना। क्या आप घर में इसे क्या बोला जाता है?
इसे क्या बोला, फैन को तो फैन ही बोला जाएगा, और क्या बोला जाएगा, गोलगप्पा। इस घर में आई थी, मैंने इसे फैन बोला था, तो इन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, और ये बोलते थे कि ये रस है। हमने तो कभी बोला ही नहीं भैया, झूठ हो, भाभी ने लगाया झूठा इल्जाम। ये पापे नहीं है, एक्चुअली सनी फैन होते हैं शायद। हाँ, फ्रेंड से फैन ही होते हैं, लेकिन जब मैं इस घर में आई थी ना, तो जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मुझे बोला कि ये पापे हैं। नहीं, पापे वो मिलते रस होते हैं लंबे वाले, ये वाले पापे, ये फैन ही होते हैं। हाँ, ये फैन ही फैन मिलते वो लंबे वाले होते हैं। हाँ, वो लंबे वाले भी तो आते हैं। अच्छा, ये गोल है, इसका गोल वर्जन फैल गया है, वो जो लंबा था वो फैल गया। तो आप पीते हैं चाय और मिलते हैं आपको शाम में। अब यहाँ पे चाय पी रहे हैं और यहाँ पे डुगू लेटा हुआ है। डुगू, आपको भी चाय पीनी है? तो दोस्तों, मम्मी पापा भी आ चुके हैं पुराने वाले घर से, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था। तो मम्मी पापा और जा रखे थे पुराने वाले घर पे, तो कल गए थे वहाँ और अभी दिन में आए हैं यहाँ। वहाँ से डुगू जो उनके साथ खेल रही है, और ये रात के खाने की तैयारी, इसमें है गोभी और सोयाबीन की बड़ी और आलू। तो ये है ओके, मटर भी है, ठीक है। तो चलाने वाली क्या बात थी। तो अभी इसमें और कुछ इन्ग्रीडियंट चलने वाले हैं, क्या डालेंगे? तो गाइज, ये देखिए फिर दोबारा हरी सब्जी आ चुकी है, जो पिछले चार व्लॉग में आपने देखी होगी, मतलब पिछले से चार व्लॉग पीछे, जब से हरी सब्जी कट रही थी। हाँ, तो अच्छा, ये मेथी, अब मतलब वो मेथी थी शायद पिछले वाले में भी। और ये देखिए डुगू को यहाँ पे से जोश चढ़ रहा है, क्या हो गया, अरे कहाँ चला गया टेढ़ा। और ये रहा डुगू हमारे पीछे, डुगू इधर देखियो, डुगू इधर है, कितनी चुप हो गया, ओए देख लिया। ओ कौन है डुगू ये? तो डुगू जो है अपने इसमें मस्त हो रखा है। अब करता हूँ मैं भी जाके डिनर, और मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और कल वाला ब्लॉग और भी खास होने वाला है, क्योंकि कल हमारी जो डुगू है, डुगू मतलब वानी, वो कल 6 महीने की पूरी हो जाएगी, और तब हम देखते हैं कल क्या सेलिब्रेट करते हैं और क्या बनाते हैं। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपको अगले एपिसोड में।